हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स के क्रिकेट के न्यूज सेक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हेडलाइंस है, एनजीटी ने लगाई अथॉरिटीज को फटकार कि दिल्ली में टेस्ट मैच क्यों रखा गया। बीसीसीआई ने कहा जब 20,000 लोग आराम से मैच देख सकते हैं तो श्रीलंकन टीम को क्यों तकलीफ हो रही है। रविचंद्र अश्विन बने इस साल के टेस्ट मैच के हाईएस्ट विकेट टेकर। दोस्तों, शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला छक्का मारा था। इंडिया के फर्स्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में अमर सिंह ने पहला छक्का मारा था और पहली हाफ सेंचुरी भी मारी थी, और अमर सिंह रणजी ट्रॉफी में 100 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर थे। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अथॉरिटीज को फटकार लगाई कि दिल्ली की खराब हवा और एयर पोल्यूशन के बावजूद उन्होंने इंडिया श्रीलंका का मैच दिल्ली के फिरोशा कोटला में क्यों रखवाया। और एनजीटी ने आम आदमी पार्टी को भी फटकार लगाई कि दिए गए तय समय सीमा यानी 48 आवर्स में आम आदमी पार्टी ने एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं दिया। बीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट सीके खन्ना ने ये कहा कि अगर स्टैंड में बैठे हुए 20,000 लोगों को और इंडियन क्रिकेट टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस एयर पोल्यूशन से, तो श्रीलंकन टीम को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सीके खन्ना ने ये भी कहा कि बीसीसीआई की तरफ से वो श्रीलंकन बोर्ड को एक कंप्लेंट भी लिखेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे एशेज के सेकेंड टेस्ट मैच में शॉन मार्श ने सेंचुरी लगा के अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया। शॉन मार्श और उनके पिता जेफ मार्श पहले ऐसे फादर और सन की जोड़ी बन गई जिन्होंने एशेज में सेंचुरी लगाया। शॉन मार्श ने 126 रन बनाए। रविचंद्र अश्विन इस साल के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट लिए और इसी के साथ वो इस साल के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं 55 विकेट लेके। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लॉयन ने भी 55 विकेट लिए हैं इस साल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ के अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली की हवा को देखते हुए फर्स्ट प्लेस पे ये मैच यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था और मैच कहीं और करवाना चाहिए था बीसीसीआई को। और उन्होंने आईसीसी से भी अपील की है कि एयर पोल्यूशन को लेके एक पॉलिसी बनाए ताकि खिलाड़ियों को इसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी का कहना है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम जितना दिखा रही है उतना एयर पोल्यूशन का इफेक्ट दिल्ली में नहीं है। हमारे प्लेयर भी खेल रहे हैं और सबके सब बिल्कुल फिट है। हो सकता है कि हमें एयर पोल्यूशन की आदत हो। फिटनेस टेस्ट पास ना कर पाने के चलते युवराज सिंह को इंडिया और श्रीलंका के ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया, पर अब युवराज सिंह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और युवराज सिंह का कहना है कि अप्स एंड डाउन्स उनके जिंदगी में चलते रहते हैं और फेलियर और सक्सेस उनके जिंदगी के पिलर्स है। उनका एम है 2019 तक खेलना। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड। और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद।